वेलकम। नेक्स्ट वीक आना पड़ेगा। कितने दिन से शॉर्ट्स था मैम आपका? बहुत सालों से, और दो तीन बार लोगों को मैं बोली भी हूँ पार्लर में जाकर मेरा छोटा कर दो। नहीं 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 करेंगे नहीं करेंगे। अरे मैं बोलती हूँ आप लोग कुछ नहीं नहीं आप ही बात मैं बोली ने देखा होता है इसे। दो तीन लोग बोले नहीं 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 आप बोलने से भी हम नहीं करेंगे होता है इसे, क्योंकि आपके बालों का वॉल्यूम कम है ना इसीलिए मना कर रहे हैं। अगर अच्छा नहीं लगा फिर से बढ़ूंगी। नहीं इतना भी ये नहीं होगा, दिखता है अच्छा क्योंकि हमने पहले भी किए हैं, उसके भी वीडियोस डाले हैं हमने, लेकिन यही है कि जो बाउंस लगना चाहिए। हाँ वो नहीं पीछे का है ना, पीछे का थोड़ा पीछे है लेकिन साइड में नहीं है ना मैम। थोड़ा आप बालों का ध्यान धरिए तो सही है। आजकल सबका बाल इतने झड़ता है। कलर यूज करते हैं? हाँ कौन सा? ये लॉरेल। इतना रखो मैम, नहीं नहीं मैं लगा तो अगर लगता है कि थोड़ा और शॉर्ट करना है तो हम बाद में भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो आपको लगता कि नहीं अभी थोड़ा और शॉर्ट करने से भी चलेगा तो तभी कर सकते हैं। हाँ, हाँ। थोड़ा सा नीचे देखो बस इतना करो। और झुकना मैम थोड़ा सा नीचे बस नेक पे ग्रोथ अच्छी है आपके बालों की।
करती हूँ। ना होने से लोग हो जाते हैं। खाने में क्या रहता है मैम आपके? ठीक है, नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं। नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं? कौन सा, फिश वगैरह? हाँ, बंगाली है। अच्छा, लेकिन बंगाली लोग फिश ज़्यादा खाते तो बाल अच्छे रहते हैं ना एकदम। आपके जेनेटिक सबके बाल पकते थे तो मम्मी सब। अच्छा, क्वालिटी अच्छा रहता है। ये ग्रोथ तो है आपके बालों के, दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहे हैं न्यू ग्रोथ जो हो रही है। खींच रही हूँ, ध्यान हो रहा है मैडम, तो बाल सच में आ जाए। हाँ, ग्रोथ है। ऐसा नहीं कि आपके बालों की ग्रोथ नहीं है, सब ध्यान देने की बात है। उनका बंगाली लोग तो डेली फिश खाते हैं ना, एक टाइम तो फिश चाहिए। एकदम सिल्की सिल्की होते हैं ना, स्किन भी अच्छा रहता है उनका, एकदम ऐसी पतली स्किन रहती है, एकदम ग्लॉसी चमक भी आती है। वही ग्लॉसी स्किन होती है ना। तिकडून ते तुमच्या हाती होते का? आगे फ्लिक्स कट करना है ना, आगे फ्लिक्स करना है ना। कितने दिन पहले आए थे आप हमारे पास? फिर भी छह महीने। अभी हेयर कट कितने दिनों की बात कर रहे हो? बहुत दिन हो गए, चार पाँच महीने।
अच्छा पड़ जाए। यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट ही है वो नहीं आएंगे इसमें। कहाँ पे टर्न करते हो? राइट लेफ्ट? ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट से राइट साइड। मेरा माँ इधर है, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट ना। हाँ क्रॉस दे दो, जो देना दे दो। नहीं नहीं एक ही साइड हमेशा टर्न करो। हाँ एक ही साइड। कंफ्यूजन मैडम हो जा रही है। नहीं नहीं कंफ्यूजन नहीं, 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 जैसे मेंटेन करते हैं ना वो हिसाब से कोई कोई दोनों साइड मार्क करते हैं। लेफ्ट से राइट एक ही साइड में। देखो मैम सामने 10 साल कम लग रही। क्या देखो वो बोले 10 साल कम लग रही। अभी करो भाभी, चलो आज हो जाने दो। और क्या हमेशा वो एक ही कट बोर देख बोर हो गया ना देख के। कुछ अलग हो जाए आज, कुछ तूफानी हो जाए। चलो आज मैं ये यही रख देती हूँ। मेरा वीडियो का नाम रख दे बस तूफानी, आज कुछ तूफानी। हाँ मैडम कुछ तो बोल रही थी कि हमारे किसी ने कुछ नाम रखा था। किसी ने क्या नाम रखा था मैम? आप बोल रहे थे ना कुछ क्या कि मेरे को ऐसे करके बुला रही थी जब आए तभी कुछ बोल रहे थे ना आप? नहीं तकलीफ तकलीफ। हाँ वो मेरी बेटी को मैं गुस्सा करती हूँ ना इसलिए उसने मेरा मोबाइल में नंबर सेव करके रखा है तकलीफ। अच्छा कितने बदमाश बच्चे। वो बोल रही थी बच्चे लोग ऐसे ही है। मैंने अपने बच्चे लोग का नाम से सेव किया रौनक और रोशन। मेरा जब ये आता तो मेरा नाम आता श्रुति। तुम लोग का हिम्मत कितना है मेरे नाम से सेव करते हो? अपनी मम्मी ने अच्छा तो आप भी तो हमारे नाम से ही करते हो। मैं बोले और क्या करूं क्यों सन वन सन टू सन वन सन टू। मैं बोले वाह सन वन सन टू मतलब तुम मेरा नाम क्या था मतलब आप कैसे तो हमारे नाम से सेव करते हो? मैं और कौन से नाम से सेव करूं? बच्चे तो नाम से ही करेंगे ना। नहीं नहीं सन वन और सन टू नहीं तो मेरे नाम से लगा है। क्या कर सकते हैं मैडम बच्चों के सामने थोड़ा बाप उनके सामने आजकल के बच्चे बहुत शार्प हैं। कितने साल के बच्चे मैम आप? दोनों जॉब करते हैं शादी करते कितना एज है? बड़े वाले का 28 छोटे वाले का 26। जो छोटा वाला है ना आपका वो मेरे बेटे के एज का है। अच्छा आपने भी तो नाम से किया है भगवान के नाम से। आजकल बोलने का ज़्यादा जवाब नहीं है बच्चे बच्चों के पास हर चीज का जवाब रहता है। दिमाग में आया भी नहीं सन वन सन। कैसे सोच सकते हैं ना? आपने बोला ना ऐसा रखा है क्या बदमाश क्या रखा है ना तकलीफ। मैडम बोली ना मैं पाबंदी डालती हूँ ना उसको इसलिए बाहर इधर रोक टोक मेरी रहती है कि नहीं टाइम पे घर पे आते जाओ ये वो किधर जा रही हो तो पता कि जाती हो। अच्छी बात बोली तो मैडम अच्छी बात सभी को बुरी लगती है ना। वो तो बात सही स्पेशली इस एज में ना माँ बाप का बात बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। कल की कुछ हो तो मैं माँ बाप को ही सुना पता है ना वो अभी उनका समझ भी नहीं आता ना। बोलेंगे तो जरूर ना माँ बाप जब वो हमारे स्टेज को आएंगे ना तब समझ में बहुत जल्दी भड़कते भी हैं कुछ बोल दो ना। भड़कते हैं बम फूटता है हर बात में कड़वा लगता है। बम फूटता है सच में नाराज जाते हैं हम भी ऐसे।
अभी लग रहे हैं उनको बाल एकदम बहुत कम है, अभी सही लग रहा है, बाल थोड़ा लग रहा है ना, काटने के बाद थोड़ा बढ़ा रहे हैं। वो मन से खुश है तो उनको बाल भी अच्छे लग रहे हैं, उनको छोटे बाल पसंद है। आपका हेयर कट आपका चला रहा है कि तभी तो हम आगे की सोचे, मैं कभी कराई नहीं ना तो इनका देखूंगी तभी तो सोचूंगी। देखो आप करवाओ, देखो छोटी लग रही है तुम्हें, खुद ही लग रही। देखो सच में अच्छा लग रहा है, कौन बोलेगा 28 साल का बेटा। नहीं नहीं कोई अभी बोलेंगे ना आपको दो बेटे तो उनको बोलना को मुझे कोई बेटे वटे नहीं है। उनको बोलने से बोलते हैं आपका बाल आपको जो करना है करो, उनको कुछ प्रॉब्लम, उनको पसंद है जो करना है आपका, आपका बाल है करो। सही बात है, अपने भी तो मर्जी होनी चाहिए। शादी के बाद तो नहीं, अभी एक साल दो साल ना ठीक है, तो जॉब वॉब करते अभी कर ले शादी सही इस टाइम पे। क्या सोच है ना भाभी, आजकल की लड़कियां भी तो वैसी है, उनको भी अच्छा घूमना होगा पसंद है, उनको भी कपड़े अपने का ढंग हमको नहीं जमता वैसे, शॉर्ट और पहन के घूमते कुछ बोल भी नहीं सकते ना, क्या बोलूं मैडम आजकल के जमाना है नहीं बोल सकते हमको, और लगता है लेकिन बच्चे लोग को और नहीं लगता। अभी वो कैसा हम खुद जाते हैं यहाँ भले सब पहनते हैं, घर जाते हैं ना कमर साड़ी रहता है, हम नाइटी भी नहीं पहनते, हमारा वही है ना अभी जैसा देश वैसा देश, गांव में अभी पहन के चले तो गांव पूरा हल्ला हो जाएगा, अरे उनकी बहू इसी पहन के आई अच्छा नहीं लगता ना, नहीं मैं वैसे ही जाती हूँ साड़ी में जाती हूँ गाँव में, जब 10 दिन रहो जब 20 दिन यूपी यूपी में तो मुझे रहना पड़ता है, चाहे मेरे को अच्छा पल्लू पल्लू लेना पड़ता है, सर पर लेना पड़ता है, बाहर निकलो तो इतना ढकना पड़ता है, शादी भी आए तो और इतना निकलो एकदम ढक ढुक के रखना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक तो इतना देखना पड़ता है। कहाँ पे अच्छा लगता है, यहाँ पे महाराष्ट्र में अच्छा लगता है, ये गाँव में तो अच्छा, तभी तो कितने दिन से है मेरा लेकिन आपके इधर के कुछ लोग सुनो ना, कुछ लोग महाराष्ट्र को नाम रखते हैं के इधर के लोग अच्छे नहीं, ऐसा है मैडम हमारे जिसकी उसकी सोच है, मुझे तो नहीं लगा, मेरे बच्चे खुद नहीं जाना चाहते इधर से, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो ऐसा लगता रो की जाती हूँ ससुराल तिकड़े टेंशन असल ना बोलते बेटी ससुराल चली नाही तिकडे टेंशनच असतं त्यांना जास्त, मैं तो कभी नहीं बोली कि घर का अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं किसी की बात नहीं अच्छी लग रही है, और अपना अपना भाषा सबको बोलनी अच्छी लगती है, मैं खुद अपना भाषा बोलती हूँ, उसमें तो सबका अपना अपना रहता है ना। अभी मैडम हमसे हिंदी में बात कर रही हैं, अभी आप उनके भाषा तो आपके ऐसे बोलेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हमको कुछ नहीं है, नहीं उसमें नाराजगी भी नहीं होनी चाहिए, तो लोगों को थोड़ा हो भी जाता है। आप तो मैडम ही दिखेंगी घर जाएंगे तो क्या घर जाएंगे तो शीशे में बहुत देखेंगे, आज आज मैम को नींद नहीं आने वाली क्यों बाल छोटे किसने नहीं थोड़ा सा मेक ओवर हुआ ना, हुआ ना क्या, नहीं लग ही नहीं रहा सच में एकदम लुक ही बदल गया, कुछ नहीं हेयर कट चेंज करने के बहुत नहीं पता नहीं चला कि आपका बाल थोड़ा कम था ना, अच्छा लग रहा है। हम लोग भी ना बंगालीज में वो सब ये नहीं है, साड़ियाँ पहनो वो पहनो, हाँ बहुत ओपन माइंडेड है, सबका मैडम अलग अलग होता है, नीचे अलग होता है, गाँव में हमारा देखना पड़ता है, हाँ हम भी कहाँ तो अगर छोटे हैं लेकिन गाँव में जैसे जाते हैं वैसे बदलना पड़ता है।
तो मत। कुछ नहीं बताती हूँ मैं आपको। हाँ। ये कैसा है कि आपके इधर के जो नेक के ऊपर के जो बाल है ना। हाँ। वो काफी ग्रोथ है इधर। अच्छा। वो क्या है कि वो इसमें आ रहे हैं, शेप के बाहर आ रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है ना। इतना लेंथ रखनी है तो आओ। अच्छा। नहीं तो दो तीन महीना तो एटलीस्ट चल जाता है। हर महीने की जरूरत नहीं है, दो तीन बॉल कट वगैरह होता है ना। हाँ। उसको आपको कैसा तो ज़्यादा ही जरूरत से ज़्यादा शॉर्ट होता है ना। हाँ। तो अगर उस सेम लेंथ मेंटेन करनी है तो फिर आपको हर महीना आना पड़ेगा। अच्छा। अभी इतने शॉर्ट हेयर कट को ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन अगर आपको लगता है बढ़ गया ज्यादा आउट ऑफ शेप हो गया। हाँ। तो फिर आ जाओ। इतना तो ठीक है, अच्छा लग रहा है आपके फेस पे। अच्छा लग रहा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, मजाक नहीं कर रही मैं। देखो मैम का भी मूड हो रहा है अभी हेयर कट करने का। हाँ, अभी सोचूंगी ना घर जाके। घर जाके क्या, इधर ही सोचने का ना। घर पे बाल धोना नहीं, मैं बाल धो के आना पड़ेगा ना इसको। हाँ अच्छा, मैं तो लड़की की लेके आई थी ना। सच में करेंगे क्या? मैं कभी कराई नहीं, लेकिन सोचूंगी कि अच्छा लगा तो मैं भी कराऊंगी। हाँ कभी कराया नहीं। भाभी इतना छोटा करोगे पक्का? हमारे इतना छोटा नहीं चलता ना, थोड़ा बराबर करो। थोड़ा सा लंबा हो गया। अच्छा अच्छा पक्का करेंगे। आप आ जाओ। हो गया मैम का तो पूरा मेको। स्टूडेंट को सरप्राइज मिलेगा। अरे मैम, मैम तो पूरा चेंज होके आई। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो मैम? एमबीए को एचआर का क्या? कौन सा कॉलेज? रामचंद्रन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट अरिहंत कॉलेज का नाम सुना? मुझे वही बोल रही है, लेकिन अपना बजट भी चल रहा है ना। हाँ वो तो, लेकिन आजकल स्टूडेंट लोन मिल जाता है ना। नहीं लेकिन उसके लिए प्रॉपर्टी कुछ ये रखनी पड़ती है ना, तो मॉर्गेज भरने का। कुछ ना कुछ तो चाहिए।
अब क्या करें, रोज नहाने के बाद क्या करना है? रोज नहाने के बाद हमारे पास आना है 10:30 बजे, हेयर सेट करके जाना है। बाप रे, तो हो गया फिर, कॉलेज पहुंचना पड़ता है। अच्छा लग रहा है ना? मस्त लग रहा है, काजल लगता तो लग रहा है। देखो मैम, आप मुझे बहुत केयर कर रहे हैं। काजल लगा दो, काजल का टीका लगा दो। हाँ लगा देते हैं। अभी इसको पोस्ट करना पड़ेगा ना, कहाँ पे पोस्ट करना? हाँ सच में मत करो आप, ऐसे तो नहीं निकल रहे काजल, ये निकल रहा है लाइनर है ना? नहीं नहीं, वाटरप्रूफ है काजल, लाइनर वो आंख में से निकल ही नहीं रहा है। दिख रहा है मैं? मेरे को अच्छा लग रहा है। पसंद है हेयर कट? पसंद है? बिल्कुल बिल्कुल। चलो आपका गूगल पे फिर मैडम के सब कुछ। हाँ मस्त लग रहा है, सब प्रीटी लग रहा है काफी, सच में ना? एज में कम एज सब खुद ही लग रहा है, फील हो रहा है ना? यस, दिखाओ कैसे लग रहा है। कौन सा वीडियो मेरे को लिंक भेज दो, उसमें लाइक कर देती। पूरा प्रोसेस का किया ना, पूरा कटिंग का? ठीक है। अरे किसी ने तो हिम्मत करके किया, दो चार लोग को कोई बोले नहीं नहीं मेरे बाल छोटा नहीं करेंगे हम, बाल छोटा अरे मेरा बाल है, मैं बोल रही हूँ करो। हाँ सही बात है, जो मैं बोलूँ फिर बाद में आप ही बोलोगे। क्या आप ही बोलोगे क्यों छोटा किया, क्यों छोटा किया, आप ही चिल्लाओगे। इतना भी हिम्मत नहीं है तो फिर छोड़ दो। हमने डेयरिंग की किया और कितना अच्छा रिजल्ट आया, देख रिजल्ट अच्छा, रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया। दोनों दिख रहे हैं। अगर मैम का हेयर कट पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैम आपको हेयर कट अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत यंग लग रहा है प्लीज। कितने 10-20 साल से? 10 साल तो लग ही रहा है मुझे। थैंक यू, थैंक यू।